Hello friends, welcome back to my class Top Teaching Spoken English. Friends, today I have taken some important question to you. दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंग्लिश सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन करना सीखे, सवाल करना सीखे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ मतलब ये जो यहां दिख रहा है होम और होज, होम और होज ये दोनों क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड, इसको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है और कभी कभी इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, लेकिन इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। तो सवाल करने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये किस तरह के सवाल किया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क समवन। हम देखना चाहेंगे यहाँ जो हमने लिख के रखा है आप लोगों के लिए पहले से ही, वो यहाँ क्या है। होम, होम का मतलब होता है, होम का मतलब होता है किसको और किससे, आपको किससे मिलना है, whom do you want to meet, तो आपको किससे मिलना है, किसको देना है कुछ सामान वगैरह, आपको किसको देना है, तो इसके लिए आप whom यूज करेंगे। और hose का मतलब होता है किसका और किसकी, whose book is this, ये किताब किसका है और किसकी है। तो आइए देखते हैं हम ये यहां सिर्फ 12 sentences, 12 questions हम आपके लिए लाए हैं। अब इस तरह से अगर ये 12 sentence, 12 question अब मतलब आप सीखे अच्छी तरह से, तो आप इस sentence के जरिए, इस sentence के help पर आप 100 सवाल कर सकेंगे। तो इसलिए हम, मैं आपको ये कहना चाहूंगा और अनुरोध भी करना चाहूंगा कि ये मेरा जो क्लास है ये पहले से शुरू से अंत तक देखे और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो मैं शुरू करता हूँ, देखिए पहले लिख रखा हूं मैं, और इसका अर्थ मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं इसका अर्थ सिर्फ जबान से बोल जाऊंगा, कहते जाऊंगा, आप लोग सुनकर सीखना पड़ेगा। Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? आपको किससे मिलना है, आप किसको मतलब आप किसके साथ मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet? Whom do you want to see? Whom do you want to call? Whom do you want to talk to? आपको किससे मिलना है, आपको किसके साथ मतलब साक्षात करना है, देखना है, किसको देखना है, और आप किसके साथ कॉल करना चाहते हैं, और आप किसके साथ बातें करना चाहते हैं। तो एक ही सवाल में हम ये चारों ऑप्शन रखे हैं, आप जो भी ऑप्शन चाहे यूज कर सकते हैं। Whom do you want to talk to? आप किसके साथ बात करना चाहते हैं। अगर फोन पे, अगर आप किसी से मतलब किसी का फोन आपने रिसीव किया, तो एक अनजान आदमी आपसे बात कर रहा था, तो आपने शायद यही बोलेंगे कि आप किससे बात करना चाहेंगे, आप किससे मिलना चाहेंगे, आप किस मतलब किससे कॉल करना चाहते हैं। तो आप कोई भी तरह से आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि Whom do you want to talk to? Whom do you want to meet? Whom do you want to see? Whom do you want to call? तो आइए हम नंबर टू देखते हैं। Whom should I talk to about it? मैं इसके बारे में किसके साथ बात करना ठीक रहेगा, मुझे किसके साथ इसके बारे में बात करना ठीक रहेगा, ये इसलिए यहां should यूज किया है। Whom should I talk to about it? हमें मतलब मुझे किसके साथ इसके बारे में बात करना सही होगा, मतलब ठीक रहेगा, इसके लिए ये सवाल का ये मतलब है। Whom should I talk to about it? About it मतलब इसके बारे में, कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, मैटर हो सकता है, तो उसके बारे में मतलब इसके बारे में हम किससे बात करना ठीक होगा। Should I talk to about it? इसके बारे में बात करूंगा मतलब मैं। और अब देखिए यहां जो हमने और एक सवाल लिख के रखा है, Whom does this chair belong to? ये कुर्सी किसका है? Whom does this chair belong to? ये chair मतलब कुर्सी जहां बैठा जाता है। Whom does this chair belong to? ये कुर्सी किसका है? यहां ये जो chair के जगह पे अगर आप बैग, लगेज, कोई भी चीज, पुस्तक किताब भी रख सकते हैं, तो Whom does this
शेयर बिलोंग टू, होम डाज दिस लगेज बिलोंग टू, ये लगेज किसका है, ये सामान वगैरह किसका है। और नंबर फोर देखिए, होम डिड द पुलिस अरेस्ट यस्टरडे, पुलिस कल मतलब पिछले जो कल चला गया, लास्ट डे मतलब यस्टरडे, आप होम डिड द पुलिस अरेस्ट यस्टरडे, पुलिस ने किसको पकड़ा है, किसको अरेस्ट किया है। ये पुलिस का जगह आप किसी और को भी यूज कर सकते हैं, तो ये सवाल हो गया। अब देखिए नंबर फाइव, होम डिड यू वांट टू बीट, ये बीट का मतलब होता है पीटना, आप किसको पीटना चाहता था। यह झगड़ा का मसला है, कोई किसी को अगर पीटना चाहते थे, पहले पीटना चाहते थे तो दूसरे दिन शायद उसका भाई वगैरह कोई आके उसे पूछे कि तुम किसको पीटना चाहता था, तो ये बात इस तरह से पूछे जाएंगे। सवाल यह है, होम डिड यू वांट टू बीट, आप किसको मारना चाहते थे, मतलब पीटना चाहते थे। अब देखिए होज किसका और किसकी, होज सन आर यू, ये सन ना सन है ना सन सन है, ये सन सन इस तरह से यूज किया जाता है। होज सन आर यू, होज सन आर यू, आप किसका बेटे हैं, आप किसका बेटा हो, आप किसकी बेटी हो, मतलब या होज डॉटर आर यू होने से आप किसकी बेटी हो, आप किसका सन हो मतलब बेटा हो, पुत्र हो। होज बैग इज दिस, ये किसका बैग है, किसका, ये किसका बैग है, किसकी बैग है बोलने से हो जाएगा। होज स्लेट डिड यू ब्रेक, तुमने किसका स्लेट तोड़ा था, तुमने किसकी स्लेट तोड़ा था, किसका स्लेट तोड़ा था, किसी भी तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अब देखिए, होज फादर डाइड यस्टरडे, यस्टरडे कल किसका पिता का मौत हो गया, कल किसका पिता मृत्यु हो गई, कल किसका पिता का मृत्यु हो गई, किसका बाप मर गया, कल किसका बाप मर गया। हम सही मतलब ये बेडंग से, ये डंग से नहीं, ये बेडंग से बोलता है, ये कल किसका बाप मर गया, ऐसे सवाल करने से कोई इसे रफ यूज बोलेंगे, तो कल किसका पिता का मृत्यु हो गया। तो देखिए नंबर टेन है, होज मार्कशीट इज लॉस्ट टुडे, आज किसका मार्कशीट खो गया, आज किसका मार्कशीट खो गया, होज मार्कशीट इज लॉस्ट टुडे, ये सवाल अक्सर हम बोलते रहते हैं, किसका क्या खो गया, किसका क्या मिल गया, किसको क्या मतलब खोने वाला है, ये सब हम सवाल करते हैं। अब देखिए, होज हाउस फार्दर, फार्दर फ्रॉम हियर, अब लिखने से भी चलेगा नहीं लिखने से भी चलेगा, होज हाउस फार्दर, होज हाउस इज फार्दर मतलब किसके, या इस यूज करने से भी अच्छा रहेगा, होज हाउस इज फार्दर फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर ना लिखने से भी चलेगा, होज हाउस इज फार्दर, किसका घर, किसका घर दूर है मतलब। होज फादर इज इल टुडे, आज किसका पिता का बीमार है, आज किसका पिता का बीमार है, आज किसकी पिता का बीमार है, किसकी भी हो सकता है, किसका का भी हो सकता है, आज किसका पिता का बीमार है। तो इस तरह के सवाल हम पहले आंसर देने से पहले, इंग्लिश सीखने से पहले कुछ सवाल का सीखना बहुत ही जरूरी है। कैसे हम सवाल करते हैं, सवाल अगर क्वेश्चन हम को पता ना हो तो हम आंसर नहीं भी दे सकते, तो इसलिए हम आपके लिए ये आज 12 ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग सीखे, मुझे लगता है आई होप दिस वीडियो वॉज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंस, अगर आप क्वेश्चन करना सीखे, अगर प्रैक्टिस करे कैसे सवाल किया जाता है, ये सवाल अगर आप करना सीखे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आप बहुत सीख पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बगैर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।